हेलो गाइस, मैं पायल। वेलकम टू डीएनडी न्यूज। हर एक दिन की नई खबरें पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए। दोस्तों, नेहा कक्कड़ इन दिनों अपनी शादी को लेकर चर्चा में बनी हुई है। खबरों की माने तो उनकी शादी आदित्य नारायण के साथ होने जा रही है। ये सब कुछ इंडियन आइडियल 11 के सेट से शुरू हुआ था। सेट पर आदित्य नारायण और नेहा कक्कड़ के पेरेंट्स पहुंचे थे। यहाँ उदित ने नेहा को अपनी बहू बनाने की इच्छा जाहिर की। वहीं नेहा के पेरेंट्स भी इस रिश्ते के लिए तैयार हो गए। सेट पर सबसे पहले आदित्य के परिवार की ओर से नेहा को शगुन दिया गया। इस दौरान दोनों की शादी की डेट पक्की हो गई। सबने मिलकर तय किया कि 14 फरवरी को शादी होगी। सेट पर शादी के कार्ड की तस्वीर भी सामने आ गई थी। जिस दिन ये सब हुआ उस दिन अलका याग्निक सेट पर आई थी और शादी तय होने की खुशी में भी गाना गाया था। हाल ही में एक और खबर सामने आई है। कुमार शानू को बॉलीवुड में 30 साल पूरे हो गए हैं। इस मौके पर उन्हें इंडियन आइडल 11 में इनवाइट किया गया था। यहाँ कुमार शानू ने नेहा कक्कड़ को एक स्पेशल तोहफा दिया। कुमार शानू ने आदित्य नारायण की तरफ से नेहा को लाल चुनरी गिफ्ट की। शादी का शगुन मानकर नेहा ने इसे स्वीकार किया। चुनरी देने के बाद कुमार शानू ने फिल्म प्यार किया तो डरना क्या का गाना ओढ़ ली चुनरिया गाया। सभी कंटेस्टेंट ने भी कुमार शानू का साथ दिया। नेहा और आदित्य की शादी के बारे में उदित नारायण का बयान भी आया था। उन्होंने कहा था, दोनों बच्चों की पहले ही साथ में जोड़ी बनाई जा चुकी है। मुझे भी नेहा बहुत पसंद है। मुझे भी अच्छा लगेगा अगर घर में कोई फीमेल सिंगर आ जाएगी। मुझे ही नहीं, नेहा सभी को पसंद है। उसने इंडस्ट्री में अपने दम पर अपना नाम बनाया है। मैं भी उसके गाने सुनता रहता हूँ। नेहा ने कुछ दिन पहले इंडियन आइडल का वीडियो अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर किया था। इसके कैप्शन में उन्होंने लिखा था, नेहा की शादी आदि के साथ, मम्मी पापा करवा कर ही मानेंगे आदि और मेरी शादी। बता दें कि नेहा और आदित्य की शादी का एक हिस्सा एक मजाक के तौर पर शुरू हुआ था। अब देखना यह है कि नेहा सच में नारायण परिवार की बहू बनती है या शो खत्म होने के साथ ये किस्सा भी खत्म हो जाएगा।